आपको बताने वाले हैं तेजपाल के पत्ते पर नाम लिखकर किसी भी दो लोगों में झगड़ा पैदा करवा सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। और ये उपाय है दो लोगों को अलग करने का, क्योंकि जब एक दूसरे के खिलाफ मन के अंदर गलतफहमियाँ हो जाती हैं, झगड़ा हो जाता है, तो वो एक दूसरे से लोग अलग हो ही जाते हैं, चाहे कितना भी मित्र हो, कितने भी गहरे दोस्त हों या कोई प्यार हो। तो इस उपाय के ज़रिए हमेशा हमेशा के लिए किसी भी दो लोगों को अलग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मेरा नाम है मोइन खान और मैं सभी प्यारी प्यारी माता बहनों का और प्यारे भाइयों का इस चैनल के अंदर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। और आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो गया हूँ ऐसा वशीकरण, ऐसा उपाय जो इसको तोड़ सकता है, वशीकरण को तोड़ सकता है। जी हाँ, किसी भी दो लोग को अलग करके करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग वशीकरण करके आपके पति या प्रेमी पत्नी को अपनी तरफ खींच लेते हैं उसका वशीकरण करके। तो इस उपाय के ज़रिए जब वशीकरण टूट जाएगा उन दोनों को, वो दोनों उनमें झगड़ा पैदा होगा, गलतफहमी होंगी और वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ऐसा ये उपाय है, करना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान, करना इतना आसान है कि दो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करके, दो लोगों में नफरत पैदा करके हमेशा हमेशा के लिए अलग कर सकते हो उनके। पूरी वीडियो में अच्छी तरीके से देखना है आपको किस तरीके से उपाय होगा। तो सबसे पहले तो एक आपको तेजपाल का पत्ता ले लेना है, उसके बाद आपको एक नाम लिखने के लिए स्केच, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपको एक पत्ता लेना है इस तरीके से, और पत्ता लेने के बाद आपको इस तरीके से नाम लिखना है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये तीन आपको मय अक्षर लिखने हैं तरीके से, और इसके सामने आपको लिखने हैं नए अक्षर, तीन ही नए अक्षर आपको लिखने हैं इस तरीके से। अब उसके बाद लिखने के बाद आपको एक मनुच्चरण का शाइन आपको बना लेना है स्टार्टिंग, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, नाम लिखना है जिसको अलग करना है, उसका नाम है मुमताज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको लाइन खींचनी है और ये इस तरीके से मुमताज लिखने के बाद जो जिसको दूसरे इंसान को अलग करना है उसका नाम है आकाश, मुमताज और आकाश इस तरीके से। फिर आपको नो कॉलम का बॉक्स बनाना है, 777, दूसरा नो कॉलम का बॉक्स बनाना है 999999, इस तरीके से लिखना है। अब इस पत्ते को आपको जला देना है, बिल्कुल राख कर देना है, ये पूरा जल जाएगा। ऐसा करने से दो लोग हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो उपाय करिए, फ़ायदा लीजिए।